हाँ तो प्रिय साथियों, मनोविश्लेषणवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमारी जो क्लास हुई वहाँ हम एडलर पर पहुँच चुके थे, सिगमंड फ्रायड के प्रमुख शिष्य से एडलर पर हम लोग पहुँच चुके थे। ओके, और एडलर ने अहम स्थापना को परम तत्व माना है। किसने? एडलर ने। प्रिय साथियों, एडलर ने किसको? अहम स्थापना को परम तत्व मान लिया था या माना था। किसने? एडलर ने, जो कि प्रमुख शिष्य हैं किसके? सिगमंड फ्रायड के। सिगमंड फ्रायड, ये सिगमंड नहीं है, एक्चुअल में इनका नाम सिगमंड फ्रायड है, सिगमंड नहीं है, ये सिगमंड फ्रायड हैं। ओके, तो वहाँ पर हम लोग बातचीत कर रहे थे एडलर पर। एडलर क्या कहता है कि हीनत्व भावना से बचाव के लिए, हीनत्व भावना से बचाव के लिए व्यक्ति कुछ सरल साधन खोज लेता है। सर, सरल साधन कौन से? गुटखा खाना, ये करना, वो करना, ये भी साधन है। हीनत्व भावना, शराब पीना, हीनत्व भावना से बचाव के लिए व्यक्ति कुछ सरल साधन खोज लेता है और वे साधन कुछ विशेष जीवन शैली बन जाते हैं उनका। राइट, कुछ लोगों की एक विशेष जीवन शैली होती है, वो पंचर निकालते रहेंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, कारण उन्होंने खन्नी खा रखी या गुटखा दबा रखा है। ठीक है, जीवन शैली होती है। और किसी भी व्यक्ति की जो जीवन शैली है वो जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही निश्चित हो जाती है। व्यक्ति की जीवन शैली प्रारंभिक वर्षों में ही निश्चित हो जाती है। मैं इस बात से सहमत भी हूँ और थोड़ा असहमत भी, इसलिए सहमत होती है, व्यक्ति का जीवन पूर्व संस्कारों की वजह से घटित होता है कि आप कहाँ जन्म लेंगे, किस जाति में जन्म लेंगे, कहाँ पर आपका जन्म होगा, उसका देशांतर क्या होगा, उसका दक्षिणायन उत्तरायण होगा, या आप पूर्व दिशा में या किसी देश के कौन से द्वीप में आप पैदा होंगे। जैसे मैं जम्बूद्वीप में हूँ, भारत का जो ये हिस्सा है ये जम्बूद्वीप है। भारतवर्ष से राजस्थान प्रांते, सीकर स्थाने, लोहागढ़ लक्षेत्र, जम्बूद्वीप, राइट, बाबा साहिलनाथ आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये भी इसके पीछे कारण है। और थोड़ा मैं इस बात से सहमत हूँ, जैसे मैं बचपन में बड़ाई बड़ा हूँ, ज्येष्ठ, अपने पिता का ज्येष्ठ संतान, तो वो ज़्यादा स्वतंत्र होती है ज्येष्ठ संतान जो होती है, उसमें उत्तरदायित्व की भावना भी होती है ज्येष्ठ में, तो और भी कारण है। जीवन शैली जीवन के प्रारंभिक वर्षों में निश्चित हो जाती है और यह परिवार में व्यक्ति की स्थिति से निश्चित होती है कि आप बड़े पुत्र हैं, बीच के हैं या लास्ट के हैं, और आपसे बड़ी बहन है या छोटी है, आपके जीजाजी हैं या नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, परिवार में व्यक्ति की स्थिति से निश्चित होती है। एडलर के अनुसार इकलौते बच्चे यानी प्रथम संतान, इकलौते बच्चे या प्रथम संतान, द्वितीय संतान, अंतिम संतान, सबकी जीवन शैली जो होती है ना वो पारिवारिक वातावरण से निश्चित होती है, पारिवारिक वातावरण से निश्चित होती है। कुछ थोड़ा सा टाइप करने में मिस्टेक है। एडलर के इन सिद्धांतों का, ये जो बात एडलर ने यहां पर की है तो इसको ठीक कर लें, एडलर के इन सिद्धांतों का साहित्य और अन्य विचार क्षेत्रों पर, साहित्य और अन्य विचार क्षेत्रों पर उतना प्रभाव तो नहीं पड़ा, अन्य विचार क्षेत्रों पर उतना प्रभाव तो नहीं पड़ा जितना फ्रायड के मत का पड़ा। फ्रायड का मत जो किस पर केंद्रित है? कामवर्ती यानी लिबिडो पर केंद्रित है, यानी किस पर केंद्रित है? लिबिडो पर, जितना कि फ्रायड के मत का। फिर भी उनके दिए हुए तथ्य किसके? एडलर के। फिर भी उनके दिए हुए तथ्य मानसिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने में काफ़ी मददगार हैं, काफ़ी क्या हैं? मददगार हैं, यानी सहायक सिद्ध हुए। और साहित्य में भी उनका उपयोग होता है। किसका? एडलर के सिद्धांत। कौन सा? अहम स्थापना का। तो आप इसको देख लें थोड़ा ठीक से।
ठीक है सर। फ्राइड के दूसरे प्रमुख शिष्य यंग, जिनको जंग भी पढ़ा जाता है, क्या भी पढ़ा जाता है, जंग भी पढ़ा जाता है, यंग, कार्ल गुस्ताफ यंग, फ्राइड की तरह ही यंग भी चेतन मन की तुलना में, कौन से मन की तुलना में, चेतन मन की तुलना में अवचेतन मन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, अवचेतन मन को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन जहाँ फ्राइड अवचेतन मन को दमित काम इच्छाओं से, अवचेतन मन को दमित काम इच्छाओं से जोड़ते हैं, वहीं यंग का मानना है, वहीं पर यंग का मानना है कि इनमें वे तत्व भी विद्यमान रहते हैं जो व्यक्ति के निजी अनुभवों का हिस्सा नहीं बनते, व्यक्ति के निजी अनुभवों का हिस्सा नहीं बनते। सर समझे नहीं, आपने किसी की प्रेम कहानी सुनी, असफल हो या सफल, एक उदाहरण है, वो आपका निजी अनुभव नहीं है। इन सब के बावजूद कभी कभी वो व्यक्ति, प्रेमी या प्रेमिका, आपको आपके सौपन में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जबकि ऐसा आप पर घटित नहीं हुआ है और ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर जंग की बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंग यानी यंग का मानना है कि इनमें वे तत्व भी विद्यमान रहते हैं जो व्यक्ति के निजी अनुभवों का हिस्सा नहीं बनते, राइट। और भी बहुत सारी बातें, जैसे प्रलय नहीं देखा, इसके बावजूद भी प्रलय का वर्णन प्रसाद ने कामायनी में किया, यानी कवि में एक अंतश्चेतना होती है, कवि में क्या होती है, अंतश्चेतना होती है। वाल्मीकि ऐसा लिख गए, उन्होंने राम सेतु नहीं देखा फिर भी उन्होंने लिखा, राइट, बहुत सारी चीज़ें देखी उन्होंने, लिखी हैं, वो गए नहीं, है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए आगे की बात पढ़िएगा। वे हमारी प्राचीन ऐतिहासिक अनुभव राशि का हिस्सा होते हैं, वे हमारी प्राचीन ऐतिहासिक राशि का हिस्सा होते हैं, और पुनर्जन्म होता है। मैं हजार सालों से कहता आ रहा हूँ कि पुनर्जन्म होता है, पर लोगों ने अब मानना शुरू किया है। वे हमारी प्राचीन ऐतिहासिक अनुभव राशि का हिस्सा है, पुलिस भी मानती है, विज्ञान भी मानता है पुनर्जन्म होता है, पर हिंदी वाले नहीं मानते, जबकि उन्हें ज़्यादा मानना चाहिए। इन्हें यंग ने नस्लीय या प्रजातीय स्मृति कहा है, कि ऐसी चीज़ें जो हमारा इस जन्म में अनुभव नहीं है और पिछले जन्मों का कोई अनुभव है जो हमारी नस्लीय प्रजातियों में शामिल है, और उस चीज़ को भी हम, वो हमारे स्मृति पथ में रहता है। देखिएगा, वे हमारी प्राचीन ऐतिहासिक अनुभव राशि का हिस्सा होते हैं, इन्हें यंग ने नस्लीय या प्रजातीय स्मृति कहा है। तो तीनों विद्वानों में प्रजातीय स्मृति का दावा करने वाला है यंग, प्रजातीय या नस्लीय या प्रजातीय स्मृति का दावा करने वाला यंग, और मैं सहमत हूं किससे, यंग से, पूरी तरह से सहमत हूं। उनका मानना है कि अवचेतन मन के दो भाग होते हैं, अवचेतन के भी कितने, दो भाग, एक तो वैयक्तिक अवचेतन मन और एक होता है सामूहिक अवचेतन मन। ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, सामूहिक अवचेतन मन, और जिसमें सामूहिक अवचेतन होता है वो साहित्य की सृष्टि ऐसी कर देता है कि कालजयी रचना लिख देता है, सामूहिक अवचेतन, एक व्यक्तिक अवचेतन और दूसरा सामूहिक अवचेतन। सामूहिक अवचेतन मन व्यक्तिक अवचेतन मन की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल सही, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और जिसमें सामूहिक अवचेतन होता है वो ऐसी रचना लिख देता है युगों युगों तक चलती है। तो पढ़िएगा, इस सामूहिक अवचेतन में, खास बात है कि सामूहिक अवचेतन में ही आदिम प्रजातीय और मिथकीय, प्रजातीय और मिथकीय स्मृतियाँ अवस्थित रहती हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मिथकीय समीक्षा का सबसे प्रबल प्रवक्ता यंग ही है, मिथकीय समीक्षा सर्वाधिक यंग की ऋणी है,
कौन सी समीक्षा? मिथ्य की समीक्षा सर्वाधिक किसकी ऋणी है? युंग की ऋणी है, ठीक है ना। मैं मिथक पढ़ाता हूँ, और जिन्हें मैक्स मूलर ने भाषा का रोग कहा है, किसको? मिथक को। मिथक समीक्षा का एक प्रकार है। मिथक समीक्षा का क्या है दोस्तों? एक प्रकार है, ओके। और हो सकता है अभी इस सिलेबस में नहीं हो, मैं मिथक को बड़ी आलीशान ढंग से पढ़ाता हूँ, ठीक है। और मिथक की जो समीक्षा है वो युंग की बहुत ऋणी है, ओके। इस सामूहिक अवचेतन में आदिम प्रजाति और मिथक की स्मृतियाँ अवस्थित रहती हैं। इसकी प्रकृति अपने मूल रूप में विश्वव्यापी होती है, सामूहिक, पुरातन और निर्व्यक्तिक होती है। ये जो अभिव्यक्ति होती है, सामूहिक अवचेतन है, ये निर्व्यक्तिक होता है। और इस निर्व्यक्तिकता का जो सिद्धांत दिया था वो T.S. एलियट ने, अमेरिकन है। T.S. एलियट एक अमेरिकन बिंबवादी कवि हैं। ओके ओके सर। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी कि युंग ने अवचेतन के दो भाग माने हैं, व्यक्तिक अवचेतन और सामूहिक अवचेतन मन, ठीक है। इसमें उन्होंने सामूहिक अवचेतन को श्रेष्ठ माना है, ठीक है। और सामूहिक अवचेतन वाला साहित्य की अच्छी सृष्टि कर सकता है, ठीक है, ठीक है सर। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एडलर, इस समय हम युंग पर हैं। किस पर हैं? युंग पर हैं। मिथकीय समीक्षा का सबसे समर्थ प्रवक्ता ने, मिथकीय समीक्षा सबसे अधिक ऋणी है किसकी? युंग की। अच्छा, मिथकीय समीक्षा का जो सबसे समर्थ प्रवक्ता है वो नॉर्थन फ्राई है। मिथकीय समीक्षा का जो सबसे समर्थ प्रवक्ता है वो है नॉर्थन फ्राई। मिथकीय समीक्षा का सबसे समर्थ प्रवक्ता है नॉर्थन फ्राई, ओके। एक नया नाम आपने सीखा, नॉर्थन फ्राई। मिथकीय समीक्षा का सबसे समर्थ प्रवक्ता कौन है? नॉर्थन फ्राई है, ओके ओके सर। युंग जो है कला सर्जन, चाहे वो मूर्ति कला हो,
चित्रकला हो, और कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला है कविता यानी काव्य यानी साहित्य। यूंग कला सर्जन को व्यक्तिक और सामूहिक अवचेतन मन दोनों से जोड़कर देखते हैं। जैसे प्रसाद, जयशंकर प्रसाद थोड़े व्यक्तिक हैं और बाकी सामूहिक हैं। यूंग कला सृजन को व्यक्तिक और सामूहिक अवचेतन मन दोनों से जोड़कर देखते हैं। वे कला के मूल में एक प्रकार का द्वंद्व स्वीकार करते हैं। बिल्कुल सही बात है, तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं समासों में मैं द्वंद्व हूँ। वे कला के मूल में एक प्रकार का द्वंद्व स्वीकार करते हैं, जो एक स्तर पर उसे अपनी व्यक्तिक आकांक्षाओं की तुष्टि के लिए उत्प्रेरित करता है, मान लो प्रसाद की प्रेमिका धोखा दे गई तो उन्होंने आंसू लिखा, तो उसमें 10-20% वो व्यक्तिक हैं। तो देखिए, एक स्तर पर कलाकार अपनी व्यक्तिक आकांक्षाओं की तुष्टि या संतुष्टि के लिए उत्प्रेरित करता है, तो दूसरे स्तर पर साहित्य को इस तरह मोड़ देता है कि दूसरे स्तर पर उसे समस्त मानवता की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए सृजन के लिए ललकारता है। बिल्कुल सही है, इसलिए कविता मानव जाति की आध्यात्मिक भूख है, ओके दोस्तों, इस द्वंद्व के फलस्वरूप वह जो कुछ रचता है, वह कौन? कवि, कलाकार। इस द्वंद्व के फलस्वरूप वह जो कुछ रचता है उसमें प्राय उसकी व्यक्तिक आकांक्षाएं उपेक्षित रह जाती हैं, क्योंकि वो व्यक्तिक 20% ही होता है, बाकी वो सामूहिक हो जाता है, इसलिए उसकी व्यक्तिक आकांक्षाएं उपेक्षित रह जाती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति के रूप में वह सदाई पीड़ित रहता है, व्यक्ति के रूप में वो सदाई पीड़ित और दुखी बना रहता है। कौन? एक कलाकार। मैं थोड़ा सा इससे कम सहमत हूँ, पर थोड़ा सहमत हूँ। यूंग जो है कला के संदर्भ में सामूहिक अवचेतन की बात करते हैं, जिसका संबंध सभी से है। किसकी बात करते हैं? सामूहिक अवचेतन की बात करते हैं, जिसका संबंध सबसे है। यह सामूहिक अवचेतन ही, प्रिय साथियों, कौन सा? यह सामूहिक अवचेतन ही कलाकार को ऐसी उद्दाम सृजन प्रेरणा से परिचालित करता है। उद्दाम यानी उदात्त। ये सामूहिक अवचेतन ही कलाकार को एक ऐसी उद्दाम सृजन प्रेरणा से परिचालित करता है जिसे कलाकार व्यक्ति के मन की आकांक्षाओं का प्रतिरूपण संपूर्ण प्राणी मात्र की आकांक्षाओं को तृप्ति प्रदान करने में कर सके। इस बात को आप ऐसे समझें, एक कवि दुनिया के दुख और दर्द का आयात कर लेता है और कविता के रूप में और खुद का दर्द मिलाकर उसे कविता के रूप में निर्यात कर देता है, तो लोगों को उस गीत से, उस गाने से, उस कला से लोगों को संतुष्टि प्राप्त होती है। तभी तो मैं बार बार कहता हूँ कि कविता मानव जाति की आध्यात्मिक भूख है। गीत, राइट, कि पंख होते तो उड़ाती रे रसिया ओ बालिमा, पंख होते तो उड़ाती वो जालिमा, दिल का दाग दिखलाती रे। ओके, सो जागी गा हमारा लाल, थारा बाप ने हंस हंस कर दूं निहाल। तो आप देखिए, ये सामूहिक अवचेतन ही कलाकार को एक ऐसी उद्दाम सृजन प्रेरणा से परिचालित करता है जिससे कलाकार व्यक्ति के मन की आकांक्षाओं, आप सब व्यक्तियों के मन की आकांक्षाओं की तृप्ति करता है। सर समझे नहीं?
आप लाखों लोग एक गीत को सुनकर तृप्त होते हो। तो एक कलाकार ने ऐसा किया, एक कवि ने ऐसा किया कि बिछड़े बिछड़े अब के बिछड़े तो जी नहीं पाएंगे, राइट, धोखो कर गिरे बिट्टूड़ी धोखो कर गिरे, राइट। तो ऐसे गीत सुन के है ना, नाम पता मालूम नहीं, हाय रब्बा बिछड़ा यार मिला दे, तो ऐसे गीत सुन के आपको एक विशेष प्रकार की क्या मिलती है, तृप्ति मिलती है। आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, राइट, आ तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ प्यार ही प्यार पले, राइट। इस तरह के गाने आपको तृप्ति प्रदान करते हैं, ये कवि की उदात्त अभिव्यक्ति हैं। दोनों ने किया था प्यार मगर तू भूल गई मुझे याद रहा। आप और भी सुनते हो, जिन्हें समझा था तूने मेरी बेवफाइयाँ वो मेरी मजबूरियाँ थी, जिन्हें समझा था तूने मेरी बेवफाइयाँ वो मेरी मजबूरियाँ थी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तो देना साथ मेरा ओ हम नवा ओ हम नवा। तुमसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं। आज तुझे लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले जहाँ प्यार ही प्यार पले। तू हुस्न है मैं इश्क हूँ, तू मुझमें है मैं तुझमें हूँ, राइट। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, ना मिलते इस जन्म में लेते जन्म दोबारा, ठीक है। 100 साल पहले तुझसे मुझे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। एक कवि की उद्दाम अभिव्यक्ति है, आपके लिए है। तो जिससे कलाकार व्यक्ति के मन की आकांक्षाओं का प्रतिरूपण संपूर्ण प्राणी मात्र की आकांक्षाओं की तृप्ति प्रदान करने में कर सके, और ऐसा मानते हैं यंग। बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है। युंग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत है। व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत है, युंग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत है। उनके अनुसार व्यक्तित्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। उनके अनुसार व्यक्तित्व मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जिनका ध्यान और शक्ति अपने पर ही केंद्रित रहती है, एक वो व्यक्तित्व जिनका ध्यान और शक्ति अपने पर ही केंद्रित रहती है, और दूसरे वो व्यक्तित्व जिनकी शक्ति सामाजिक और भौतिक वातावरण की ओर प्रकट होती है, जिनकी शक्ति सामाजिक और भौतिक वातावरण की ओर प्रकट होती है। कुछ अपने लिए जीते हैं, ये जीना भी कोई जीना है ना, और कुछ दुनिया के लिए जीते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक व्यष्टिवादी है, दूसरा समष्टिवादी है। जैसे एक सामान्य बात करूँ, कुछ नेता अपने लिए जीते हैं, कुछ क्या अधिकतर, एक आध ऐसा होता है जो दुनिया के लिए भी जीता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर सचिन पायलट, ओके ओके सर। दूसरे वे जिनकी शक्ति सामाजिक और भौतिक वातावरण की ओर प्रकट होती है। पहले प्रकार के व्यक्ति, देखिए यहाँ जो पहला प्रकार बताया है, पहले प्रकार के व्यक्ति जो होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, और जो दूसरे प्रकार के होते हैं वो बहिर्मुखी होते हैं, ठीक है। अंतर्मुखी व्यक्ति विचारों और भावनाओं में केंद्रित होने के कारण अत्यधिक भावुक होता है। अंतर्मुखी, आपने वो पढ़ा आइसबर्ग का सिद्धांत, आइसबर्ग चेतन का मन का जो सिद्धांत है, वो अंतर्मुखी व्यक्ति विचारों और भावनाओं में केंद्रित होने के कारण अत्यधिक भावुक, कल्पनाशील, एकांत प्रिय, एकांतवासी योगी, द हर्मिट, एकांतवासी योगी। ये किसकी रचना है, द हर्मिट के रचनाकार हैं गोल्डस्मिथ। उनका हिंदी अनुवाद किया श्रीधर पाठक ने, किस नाम से, एकांतवासी योगी। अंतर्मुखी व्यक्ति विचारों और भावनाओं में केंद्रित होने के कारण अधिक भावुक, कल्पनाशील, एकांत प्रिय और अव्यावहारिक होते हैं, ठीक है। बहिर्मुखी व्यक्ति व्यवहार कुशल होते हैं, सामाजिक और क्रियाशील अधिक होते हैं,
सर आप इनमें से कौन से हो, बताना इतना आसान नहीं है। हालांकि ऊपर वाला ज़्यादा हूँ, कभी कभी नीचे वाला ज़्यादा होता हूँ, नीचे वाले प्रकार का। बहिर्मुखी व्यक्ति व्यवहार कुशल, सामाजिक और क्रियाशील होते हैं। इसके अतिरिक्त गेस्टाल्ट, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और सीखने के मनोविज्ञान का साहित्य के नए विचारों पर व्यापक प्रभाव पड़ा। इसके अतिरिक्त गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजी है और सीखने के मनोविज्ञान का जो साहित्य में नए विचारों का वो व्यापक प्रभाव पड़ा युंग के कारण। प्रिय साथियों, प्रसिद्ध विचारक ओंटोरोंक ने जन्मत्रास सिद्धांत के आधार पे, उन्होंने सिद्धांत दिया जन्मत्रास, त्रासदी का सिद्धांत अरस्तु ने दिया, त्रासदी का सिद्धांत अरस्तु ने दिया था और ओंटोरोंक ने दिया जन्म त्रास, त्रास का त्रासदी सिद्धांत के माध्यम से फ्राइड के सिद्धांत का खंडन किया था। हालांकि फ्राइड में और एडलर में भी मतभेद हो गए थे, लेकिन एडलर ने खंडन नहीं किया था, ठीक है ना। यहाँ पर खंडन किया है ओंटोरोंक ने, जन्म त्रास सिद्धांत के माध्यम से फ्राइड के सिद्धांत का खंडन किया, ठीक है, ठीक है सर। मनोविश्लेषण और साहित्य, इन दोनों का क्या अवसंबंध है, दोनों का क्या है अवसंबंध, क्या क्या है? अव का मतलब था निश्चित, मनोविश्लेषणवाद के इन तीन प्रमुख सिद्धांतकारों, सर तीन प्रमुख सिद्धांतकार कौन कौन से हैं, फ्राइड, यंग और एडलर, फ्राइड, यंग और एडलर। मनोविश्लेषणवाद के इन तीनों प्रमुख सिद्धांतकारों ने कला पर इसके प्रभाव की विवेचना की है, कला यानी साहित्य। स्वयं फ्राइड ने दो लोगों को ज़्यादा पढ़ा, स्वयं फ्राइड ने एक तो लियोनार्डो दाविंची को पढ़ा, स्वयं फ्राइड ने लियोनार्डो दाविंची की कलाकृतियों को पढ़ा, मूर्तियों को, कलाकृतियों को, चित्रों को पढ़ा, देखा उनको, लियोनार्डो दाविंची की कलाकृतियों को देखा और दोस्तोवस्की की रचनाओं, दोस्तोवस्की एक कहानीकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कवि हैं, दोस्तोवस्की की रचनाओं के विश्लेषण के द्वारा मनोविश्लेषण संबंधी अपनी धारणाओं को का पुष्टिकरण किया, मनोविश्लेषण संबंधी अपनी धारणाओं का पुष्टिकरण करने का प्रयास किया, यानी प्रमाणित करने का प्रयास किया। मनोविश्लेषण के प्रभाव का नतीजा ये हुआ कि लेखकों ने अपनी रचनाओं में वस्तु जगत की जटिलताओं का चित्रण करने तक अपने को सीमित न रखते हुए मनुष्य के मन में चलने वाले, मनुष्य के मन में चलने वाले द्वंद्व को, मनुष्य के मन में चलने वाले द्वंद्व को चित्रित करने पर भी जोर देना शुरू कर दिया, जोर देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही यौन जीवन के, यौन जीवन, यौनाचार, जैसे यौनाचार का कवि राजकमल चौधरी, बाद में सुदामा पांडे, धूमिल भी ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा धूमिल भी ऐसा होता है, लेकिन आप राजकमल चौधरी मोहब्बत एक गर्भ से गिरे हुए बच्चे के समान होती, उसकी योनि एक धर्मशाला है, एक स्त्री की योनि तीन अबोर्शन के बाद यानी तीन गर्भपात के बाद एक धर्मशाला बन जाती है। ये कविताएं हैं हिंदी की, इनको कविता कहते हुए शर्म आती है। मनोविश्लेषण के प्रभाव का नतीजा ये हुआ कि लेखकों ने अपनी रचनाओं में वस्तु जगत की जटिलताओं का चित्रण करने तक ही अपने को सीमित न रखते हुए मनुष्य के मन में चलने वाले द्वंद्व को चित्रित करने पर भी जोर देना शुरू कर दिया। इसके साथ ही यौन जीवन के उन वर्जित क्षेत्रों के चित्रण की ओर भी लेखक और कलाकार उन्मुख हुए जिन्हें नैतिकतावादी और पवित्रतावादी प्रभाव के कारण चित्रित करने से पहले बचते थे। ऐसे क्षेत्रों को मेरे जैसे नैतिकवादी और पवित्रतावादी जो साहित्यकार थे, ऐसे क्षेत्रों को साहित्य में रेखांकित नहीं करते थे, और इस मनोविश्लेषण के प्रभाव से कुछ लेखकों ने ऐसा करना चित्रित कर दिया जो कि ठीक नहीं है, ठीक है ना, जो कि ठीक नहीं है। आपको ये मानना पड़ेगा वर्जित क्षेत्र हैं, और हमारा ईगो हमें इस बात के लिए रोकता है कि उन वर्जित क्षेत्रों को वर्जित ही रहने दिया जाए,
राइट। अन्यथा समाज का ढांचा जो इस समय आप देख रहे हैं, ये इस उद्वेलित मानसिकता का परिणाम, इस बेचैनी का परिणाम है कि फिल्मों में भी वर्जित क्षेत्रों को दिखाना शुरू कर दिया है। फिल्मों में आप हीरोइन देखते हो, क्या कोई भी हीरोइन क्या पहनती है, क्या पहनना हुआ, फिर वो जो थोड़ा सा हिस्सा छुपाती है वो भी क्यों छुपाते हो आप, जो हीरोइंस की बात कर रहा हूं मैं, तो वर्जित क्षेत्रों को दिखाना तक शुरू कर दिया महिलाओं ने। अब आप देखते हो भारत में भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर महिलाएं एक न्यातने जैसा एक छोटा सा कपड़ा, लंगोट से भी छोटा कपड़ा पहनने लग गई, तो वर्जित क्षेत्रों को दिखाना जब शुरू कर दिया तो इसलिए समाज का जो ढांचा है ये उथल पुथल स्थिति से गुजर रहा है। समाज का जो ढांचा है उथल पुथल स्थिति से गुजर रहा है। इसका कारण क्या है? वर्जित क्षेत्र। कौन से क्षेत्र? वर्जित क्षेत्र। इसके साथ ही यौन जीवन के उन वर्जित क्षेत्रों के चित्रण की ओर भी लेखक और कलाकार उन्मुख है जिन्हें नैतिकतावादी और पवित्रतावादी प्रभाव के कारण चित्रित करने से पहले बचते थे। और मैं कह रहा हूं कि बचना चाहिए, मैं कह रहा हूं कि बचना चाहिए। ओके दोस्तों, बचना चाहिए, सामाजिक समरसता के हिसाब से भी बचना चाहिए और सामाजिक जिम्मेदारी के हिसाब से भी बचना चाहिए। अगर आप वर्जित चीजों को तोड़ेंगे तो समाज में उथल पुथल होगी। सर वर्जित क्षेत्र, हर मामले में कुछ वर्जनाएं होती हैं सर, जैसे घी खा करके शहद नहीं खाना चाहिए, नहीं तो डिश नहीं विष बन जाएगा, क्या बन जाएगा? विष। तो वहां पर शहद वर्जना का काम कर रहा है, वर्जित है। घी खाकर आप शहद नहीं खा सकते अथवा शहद खाकर आप घी नहीं खा सकते, ठीक है ना। तो वर्जित अक्षेत्रों से बचना चाहिए। वो केवल खाद्य पदार्थों में वर्जित नहीं, जीवन के और अक्षेत्रों में भी बहुत सारी चीजें वर्जित हैं, उन वर्जनाओं से हमें बचना ही चाहिए। ओके, पर ऐसा लोग कहते हैं कि वो फ्राइडवादी है। क्या है फ्राइडवाद? सबसे बड़ा द्वंद्व गीता में है, कौन सा फ्राइडवाद? कौन था फ्राइड? फ्राइड नाम की चिड़िया कौन थी? भगवान त्रिलोकी के नाथ ने संदेश द्वंद्व का ही दिया है गीता में। अब लोग फ्राइड, वैसे एक शब्द रट लिया, फ्राइड दाल फ्राई हो गया, फ्राइड कुछ नहीं है फ्राइड। ये सारी चीजें हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, हम ये सारी चीजें साहित्य में बहुत पहले पढ़ चुके हैं। और फ्राइड कल पैदा हुआ है, 1856 से 1939 तक इसका जीवन काल है, कल पैदा हुआ है फ्राइड। हमने प्राचीन साहित्य पढ़ा है, उसमें सारी चीजें पढ़ी हैं, पर आज के लोग ये पढ़ाने लग गए। और तुम जैसे कुछ अनाड़ी स्टूडेंट इन बातों को लियोनार्ड मतलब पढ़ते हैं, जिन पियाजे, थॉर्नडाइक, फ्राइड, यंग, एडलर, अरे ये हमने पढ़ के 25-30 साल पहले छोड़ दिए थे। और मैंने प्राचीन साहित्य 9th क्लास में पढ़ डाला था, इसलिए द्वंद्व और नैतिक वर्जनाओं का उसमें उल्लेख है कि वास्तव में द्वंद्व क्या होता है, किसे हम रेखांकित करें किसे रेखांकित नहीं करें। मधुमक्खियों के छत्ते में सारा ही शहद नहीं हुआ करता, नीचे जो खराब क्षेत्र है उसको छोड़ना पड़ता है, वो शहद का हिस्सा नहीं होता और उसे खाया भी नहीं जाता। नैतिकतावादी और पवित्रतावादी प्रभाव के कारण जो चित्रित करने से पहले बचते थे, कुछ लोगों ने उसे भी चित्रित करना शुरू कर दिया और कहते हैं फ्राइडवादी हैं। चलो ठीक है। कलाकार की सृजन प्रक्रिया, सृजन प्रक्रिया का मतलब मूल रचना, मूल रचना, जैसे बीड़ी जलाई ले जिगर से जिया में बड़ी आग है ना, मूल रचना। बीड़ी जलाई से जिगर, बीड़ी जलाई ले जिया से जिया में बड़ी आग है, ये एक सृजन प्रक्रिया है। कलाकार की सृजन पर फायर ब्रिगेड मंगवा दे तू सिगड़ी पे दिल से एक रही हूं। कलाकार की सृजन प्रक्रिया में मनोविश्लेषणवादी प्रक्रिया की भी मनोविश्लेषणवादी व्याख्याएं की गई हैं। ये माना जाने लगा कि सृजन के दौरान, किसके दौरान, जब कोई मूल सृजना करता है, जैसे आंसू है, लहर है, कामायनी है, सृजन के दौरान लेखक या कलाकार का केवल चेतन मन ही, आप पूरी बात सुने, लेखक या कलाकार का केवल चेतन मन ही सक्रिय नहीं रहता अपितु अवचेतन मन भी सक्रिय हो जाता है या सक्रिय रहता है। अवचेतन मन भी क्या रहता है? सक्रिय रहता है, आपको ये मानना पड़ेगा। और वह यानी कवि या लेखक, वह कवि या लेखक बहुत कुछ ऐसा भी लिख डालता है, बहुत कुछ ऐसा भी लिख डालता है जो पहले उसकी योजना में नहीं होता। तो सर फिर उसकी योजना में नहीं होता कैसे लिख डालता है?
क्योंकि वह उसकी नस्लीय प्रवृत्ति में होता है। युंग याद आ रहा आपको कौन? वो उसकी आदिम प्रवृत्ति में कहीं ना कहीं योजित होता है, इसलिए हर जाति की अपनी नस्लीय विशेषताएं होती हैं। ठीक है, ठीक है सर। बहुत कुछ ऐसा लिख डालता जो पहले उसकी योजना में नहीं होता, वह उसके अवचेतन मन में होता है, और जो लिखने के दौरान चेतन मन के में आकर के रचना प्रक्रिया का हिस्सा बनता है, रचना प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है या बनता है, रचना प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। ओके, मुक्तिबोध ने भी, गजानन माधव मुक्तिबोध ने जो फैंटेसी का प्रयोग किया है, मुक्तिबोध ने रचना प्रक्रिया के संदर्भ में जिस फैंटेसी की बात कही है, रचना प्रक्रिया के संदर्भ में जिस फैंटेसी की बात कही है, उसका संबंध बहुत कुछ हद तक, उसका संबंध बहुत कुछ हद तक अवचेतन मन से भी है। इसी प्रकार कथा साहित्य के चरित्र चित्रण में, कथा साहित्य उपन्यास और कहानी, इसी प्रकार कथा साहित्य के चरित्र चित्रण में अंतर्मन के द्वंद्वों को, अंतर्मन के द्वंद्वों को खास जगह दी जाती है या खास जगह दी गई है। चेतना के उन्मुक्त प्रवाह के द्वारा चेतन मन, चेतना के उन्मुक्त प्रवाह के द्वारा मन की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया गया है, मन की जटिलताओं को समझने का प्रयास किया गया। किसके द्वारा? फैंटेसी के द्वारा। इसका मतलब ये हुआ, चेतन के साथ, चेतन के साथ रचना धर्मिता में कौन साथ चल पड़ता है? कभी कभी अवचेतन भी साथ चल पड़ता है, और आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, बिल्कुल चल पड़ता है, बिल्कुल कौन भी चल पड़ता है, अवचेतन भी चल पड़ता है या चलता है। राइट नाउ, राइट सर। मनोविश्लेषण के प्रभाव की चर्चा, मनोविश्लेषण के प्रभाव की चर्चा हिंदी में तीसरे दशक से होने लगी थी, यानी 1930 के आसपास। 36 में प्रेमचंद मर गए थे, 37 में प्रसाद भी चल गए थे। मनोविश्लेषण के प्रभाव की चर्चा हिंदी में तीसरे दशक में होने लगी, यानी प्रेमचंद के बाद की पीढ़ी, प्रेमचंद के बाद की पीढ़ी के लेखकों में, प्रेमचंद की पीढ़ी के बाद के लेखकों में जैनेन्द्र, जिनका जन्म 1905 में हुआ था, जैनेन्द्र जिनका जन्म 1905 में, आगे जिनका जन्म 1911 में हुआ था, वह इला चंद्र जोशी, वह इला चंद्र जोशी जिसकी रचनाएं मानव मन की केस हिस्ट्री सी लगती हैं, जिनकी रचनाएं मानव मन की केस हिस्ट्री सी लगती हैं। किसकी रचनाएं? इला चंद्र की। प्रेमचंद के बाद की पीढ़ी के लेखों में जैनेन्द्र कुमार, आगे इला चंद्र जोशी के कथा साहित्य को मनोवैज्ञानिक धारा का कथा साहित्य कहा जाने लगा। मैं आपको यहां एक बात समझाना चाहूंगा, आगे और जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक प्रभाव है, जबकि इला चंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी है। आप फर्क समझिए, आगे और जैनेन्द्र पर मनोवैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक साहित्यकार हैं, जबकि इला चंद्र जोशी मनोविश्लेषणवादी हैं। उनकी रचनाएं मानव मन की केस हिस्ट्री सी लगती हैं। किसकी? इला चंद्र की। तो आप पढ़ते हैं, प्रेमचंद के बाद की पीढ़ी के लेखकों में जैनेन्द्र, आगे इला चंद्र जोशी के कथा साहित्य को मनोवैज्ञानिक धारा का कथा साहित्य कहा जाने लगा। ये मान लिया गया कि इनके लेखन पर फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है। इनकी कृतियों में मसलन जैनेन्द्र के उपन्यास सुनीता, इसका ब्लेक हुआ था, ये 1935 में आया था। मसलन जैनेन्द्र के उपन्यास सुनीता 1935, आगे के उपन्यास शेखर एक जीवनी, यहाँ पर उपविराम आएगा, आगे के उपन्यास शेखर एक जीवनी की विवेचना मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों के आधार पर की गई।
की विवेचना मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों के आधार पर की गई। जैनेन्द्र के उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन के नाम से डॉक्टर देवराज ने जो कार्य किया, डॉक्टर देवराज के बारे में बात करूंगा। इनकी एक बेहतरीन किताब है जैनेन्द्र के उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, और दूसरी किताब का मैं जिक्र करूंगा थोड़ी देर में। जैनेन्द्र के उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन के नाम से डॉक्टर देवराज ने जो कार्य किया है उसका प्रभाव हिंदी आलोचना और शोध दोनों पर काफ़ी दूर तक पड़ा इसका प्रभाव। सर, डॉक्टर देवराज की दूसरी किताब बताइए, छायावाद का पतन क्यों हुआ, किस वजह से हुआ छायावाद का पतन, ये किसकी किताब है? डॉक्टर देवराज की किताब है। देवराज हिंदी के व्यक्ति नहीं है, तो सर किसके व्यक्ति हैं? दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर। डॉक्टर देवराज ने जो कार्य किया उसका प्रभाव हिंदी आलोचना और शोध दोनों पर काफी दूर तक पड़ा। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद और काव्य की अन्य प्रवृत्तियों की विवेचना में भी मनोवैज्ञानिक पद्धति का भी उपयोग किया है। किसने? डॉक्टर नगेंद्र ने। कौन सी पद्धति का उपयोग किया है? मनोवैज्ञानिक। तभी तो कहते हैं कि छायावाद सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद और काव्य की अन्य प्रवृत्तियों की विवेचना में भी मनोवैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया है या उपयोग किया है। हिंदी में 1930 के आसपास फ्राइड का कुछ जिक्र होने लगा था। फ्राइड 1939 तक रहे, थोड़ा बहुत जिक्र हुआ, ज़्यादा जिक्र नहीं है। उस समय नाम ही नहीं सुना था। प्रेमचंद ने और जयशंकर प्रसाद ने तो उनका नाम तक नहीं सुना था कि फ्राइड नाम का कोई व्यक्ति है क्या, फ्राइड नाम की चिड़िया। हिंदी में जैनेन्द्र आगे और इलाचंद्र जोशी को मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में जाना समझा जाता है। इलाचंद्र जोशी को, इन तीनों को मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में जाना और समझा जाता है, जबकि ऐसा कोई गंभीर अध्ययन सामने नहीं आया कि ये मनोवैज्ञानिक है। जिसमें उनके लेखन पर गहन मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों के आधार पर विवेचन किया गया है, ऐसी कोई खास बात दिखाई नहीं देती। थोड़ा बहुत प्रभाव तो सब पर होता है, पर जरूरी थोड़ी है कि वो फ्राइड का प्रभाव है। सर, जैसे मैंने कार्ल मार्क्स को बाद में पढ़ा, तो बड़ा हुआ हूँगा तब पढ़ा होगा कार्ल मार्क्स को, मैं जन्मजात मेरे में कार्ल मार्क्सवादी रहा हूँ मैं, इसका अर्थ ये थोड़ी है कि मार्क्स का मेरे पर प्रभाव है। हो सकता है मेरा प्रभाव मार्क्स पर रहे कालांतर में, तो मैं जन्मजात जो है वो साम्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहा, तो और मैंने मार्क्स को तो बाद में पढ़ा, तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि मैंने कोई कविता लिख दी तो उस पर मार्क्स का प्रभाव है। हो सकता है मैंने मार्क्स को का नाम नहीं सुना उस समय जब मैंने वो कविता लिखी थी। ओके सर। हिंदी में जैनेन्द्र आगे और इलाचंद्र जोशी की को मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में जाना और समझा जाता है, जबकि ऐसा कोई गंभीर अध्ययन सामने नहीं आया जिसमें उनके लेखन का गहन मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों के आधार पर विवेचन किया गया हो। इस तरह हिंदी में जहाँ भी लेखकों के मन में उठापटक, ऊहापो ऊपर और नीचे, ऊहापो धर्म संकट, इस तरह हिंदी में जहाँ भी लेखकों के मन में ऊहापो और अंतर्द्वंद्व का चित्रण किया है, वहाँ ये मान लिया गया है कि फ्राइड के प्रभाव का नतीजा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह जहाँ भी यौन जीवन और यौन संबंधों का चित्रण किंचित भी परंपरा से भिन्न रूप में किया है, उसे भी लोगों ने
फ्राइडीय प्रभाव का ही नतीजा मान लिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसे भी लोगों ने फ्राइडीय प्रभाव का ही नतीजा मान लिया है, उसे भी लोगों ने किसका फ्राइडीय प्रभाव का नतीजा ही मान लिया है। हाँ थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत असर मनोविश्लेषण का जरूर दिखाई देता है, लेकिन किसी रचना की विवेचना मनोविश्लेषण की केस हिस्ट्री की तरह करना, किसी रचना की विवेचना मनोविश्लेषण की केस हिस्ट्री की तरह करना सही नहीं है। मनोविश्लेषण के सामान्य प्रभाव की दृष्टि से, मनोविश्लेषण के सामान्य प्रभाव की, सामान्य प्रभाव की दृष्टि से साहित्य का विश्लेषण करने में तो कोई परहेज नहीं करना चाहिए, पर सारा ही उसे मनोविज्ञान नहीं मानना चाहिए। मनोविश्लेषण के सामान्य प्रभाव की दृष्टि से साहित्य का विश्लेषण करने में कोई दोष नहीं है, यदि उससे उक्त साहित्य या साहित्यिक प्रवृत्ति को समझने में मदद मिलती हो। साहित्यिक प्रवृत्ति को समझने में क्या मिले, मदद मिले, तो वहाँ हम मनोविज्ञान को समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत सहायता ले सकते हैं मनोविज्ञान की, लेकिन मनोविज्ञान कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, हर कवि मनोवैज्ञानिक होता है, आप तो इतना मानिए, फ्राइड तो कल हुआ है ना, हर कवि मनोवैज्ञानिक होता है, इस बात को आप ठीक से पढ़ लीजिए। ठीक है सर, अब बात हम आगे वाली क्लास में करते हैं, यहाँ मैं यही बात कर रहा हूँ, अब नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा कर देंगे, आगे वाली क्लास में ये पूरा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है सर।